से मंच सज चुका है और यहाँ से दोनों की दूसरे हाथ में एक दूसरे के खिलाफ एक रणनीति व्यवहार इस तरह से आप लेके बच्चे चीज को प्राप्त करते हैं। खुदाई बापी से आप सभी का स्वागत है। साझा मेरा क्लब दुमका के इस स्टेडियम में मैं हूँ दुशांत सोरेन, एक कमेंटेटर के रूप में आप सबको मैं पुनः दिल से सभी दर्शकों को बधाई देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ की जो माहौल है, यहाँ के कण कण में, यहाँ के रंग रंग में फुटबॉल के प्रति जो जुनून है, जो जज्बा है, आप लोग ये सजीव भी है। मैं तभी सभी दर्शकों को पुनः दिल से धन्यवाद देते हुए आप लोगों को पुनः एक बार फिर से इस मैदान के ओर मैं लिए चलता हूँ और घाटो रामगढ़ की टीम लाल रंग पोशाक में और डीएसपी यूनाइटेड दुर्गापुर वेस्ट बंगाल की टीम ब्लैक कलर की जर्सी पहने हुए मैच रेफरी अरुण हंसदा के इसी के साथ दूसरे हाफ के मैच का यहाँ पर आगाज होता है। मिस्टर अरुण हंसदा जी जो कि नेशनल रेफरी है और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बेहतरीन शॉट रेफर बड़ा करीब है। यह खिलाड़ी वापस आकर साझो अपना फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 लिया यही कुमार दूसरा सहार है जतो जमाव का जतो जिला बिहार को अलग दुआ साझो अपना क्लब से पॉइंट हरी हरी गुण बनाओ सगुन बिहार जतो को तीन दिन दिया ठीक तरह मैच गुजर का घाटो रामगढ़ दो आरा जर्सी रहे और हेदे जर्सी रहे डीएसपी यूनाइटेड दुर्गापुर बंगाल की मिल का दर्जन किया घाटो रामगढ़ आप झारखंड राज्य लिया प्रतिनिधि पत्री और डीएसपी यूनाइटेड दुर्गापुर बंगाल की लिया नेत्री पत्री तो पड़ोसी राज के अंदर से आए हुए दोनों टीम गिने चुने टीमों में से और तगड़ा यहाँ पर फाइटिंग स्किल दोनों टीम में देखने को मिलता हुआ बहुत ही अच्छा क्रॉस डीएसपी यूनाइटेड दुर्गापुर की टीम अच्छा आक्रमण बनाए गोल हो सकता है चंदन यादव का शॉट एक बड़ा सा गोल से बाहर और आहत का सांस लेते भी इस दुष्ट शरीर बॉडी फिटनेस अपेक्षा की यहाँ पर ज्यादा वो फिटनेस उनका शारीरिक फिजिकल फिटनेस कुछ हार्ड लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा एक खिलाड़ी चोटी संभवतः मैच रेफरी ने वहां कहा कि ये बूट प्रेस का वहां पर बहुत हुआ था बारह नंबर जैसी पहले में घाटो रामगढ़ की तरफ से खेलते हुए राजा मांझी फिलहाल राजा ने गेंद को जीत लिया है अंडर स्पेल्डी इतने कम स्पेस में भी एंगल चलता हुआ बिना कॉम स्पेस रहो बिना बेहतरीन हो रहे मीठे खिलाड़ी की टेक्निकली रूप पर उन्हें ठोके दिया कि कुंभ कुंभ का था मैं खान लड़ाई गोल की घाटो रामगढ़ नियम आ दिया गया थी SSW चंदन नगर वेस्ट बंगाल और मंगल FC नक्सल बायु दार्जिलिंग खिला रहे कार्तिक कुनिया राय SSW चंदन नगर नलहट्टी वेस्ट बंगाल
वर्सेस मंगल एफसी नक्सलवाड़ी दर्जी। अच्छा लाइट लगाया वहां पर, फर्स्ट अटैम्प को रोका है गोलकीपर आकाश ने। हालांकि एक खिलाड़ी जरूर चोटिल हुआ है, हरकुमारगढ़ विपक्षी हाफ में, विपक्षी पेनाल्टी स्पोर्ट एरिया में, और रेफरी ने वहां पर मैच को स्टॉप कर दिया है। मेडिकल के लिए वहां पर इशारा कर दिया गया है। हमारे सभी मेडिकल स्टाफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप लोग काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और जब भी जब जब खिलाड़ी को जरूरत पड़ी है किसी तरह की इंजरी पे आपने उनका भरपूर सहयोग दिया है। आप सभी मेडिकल स्टाफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे जितने हमारे टेक्निकल ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं जो कि रेफरी के साथ कमेंट कर रहे हैं, सभी हमारे बहुत ही सुंदर बॉक्स के करीब गोलकीपर के हाथ से गेंद छूटी है, लेकिन भाग्य अभी भी साथ दे रहा है बीएसपी यूनाइटेड दुर्गापुर। और जब इस तरीके का मुकाबला चल रहा हो, हर दर्शक हर किसी का चाहते है कि ये मुकाबला चलता ही रहे और हम देखते ही रहे इस तरीके का मैच। एक तरह से बहुत ही कहती नए बात तरीके से करते हुए से घाटो रामगढ़ टीम के लिए। अगर कोई खिलाड़ी अगर गोल डालते हैं घाटो रामगढ़ की तरफ से 500 रुपए से सम्मानित करेंगे, और घाटो रामगढ़ टीम के लिए ही लकी हास्ता विजयपुर दुमका उसने 200 रुपए का यहां पर इनाम रखा है। घाटो रामगढ़ टीम के लिए गोल उठाया जाया है। प्रिया बगल पिठोरिया टीम के मैनेजर संतोष बोरेल की तरफ से 500 और लकी हास्ता विजयपुर दुमका की तरफ से 200। टोटल यहाँ पर आ गया है हाटो रामगढ़ टीम को जो भी खिलाड़ी गोल लागेंगे कुल मिलाकर 700 ऐसे तो चार नंबर तो ना रुपये के हकदार हो जाएंगे। तो बाबा रुपए पांच है इस तरफ लेकिन शुक्ला का रक्षा तो से मैगन को बाहर निकाला है। क्रिस्टियन का शॉट विपक्षी पेनाल्टी एरिया में। इधर आ जमा कर दे, जमा कर जमा कर, जैसे बॉल आउट होगा हो
दोनों टीम विद प्लेयर वो रिपोर्ट कर चुके हैं, डग आउट में आ गए हैं। टीम मैनेजर से गुजारिश होगा खिलाड़ियों की सूची आप पहले ही जमा करें। एसएसडब्ल्यू चंदननगर नलहटी वेस्ट बंगाल वर्सेस मंगल एफसी नक्सलवाड़ी दार्जिलिंग, आज का तीसरा मैच। दोनों टीम डग आउट में खिलाड़ियों के साथ आ गए हैं। और यहां पर एक विदेशी और देशी खिलाड़ी आपस में रणनीति बनाते हुए लुईस विडल जर्सी नंबर 77 और दूसरे तरफ आर्सन हमरा। यूनाइटेड गोपापुर की जीत, कभी जीत बॉल का जरूर मौका था लेकिन सेकंड बॉल बनाने की कोशिश में थोड़ा सा चूके क्रिस्टियन सुशांत सोनेगल को चिप कर दिया हवा में। मार्शल का अच्छा क्रॉस, उस एरिया में कोई खिलाड़ी वहां पर नदी के एरिया में नहीं थे और गोलकीपर मार्शल बेसरा के लिए काम आसान हुआ। बॉल को कलेक्ट किया करने की संभावना खत्म करते हुए अच्छा पास वहां पर क्रिस्टियन मार्शल के मिडफील्ड को
छोड़ निकाला है अच्छा पास सुशांत को, वो को चीप कर दिया है, वो कहीं हम पर बना सकते हैं उसका नाम सोच लगाएंगे नहीं दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कमी। खलबली मच रहा था खाटो रामगढ़ के ऊपर फर्स्ट टाइम में अपने नाम के मुताबिक बासे बेहतरा प्रदर्शन किया है। खिलाड़ी यहाँ पर बॉल के साथ संजय गुरु और संजय गुरु की खासियत यह है कि वो लीग भी खेलते हैं, बड़े लीग भी खेलते हैं, कोलकाता लीग दुर्गापुर लीग जैसे विभिन्न तरीके के लीग में भी प्रदर्शन करते हैं। और सुशांत को हेमरा 75 नंबर में और सुमान को हेमरा है 95 नंबर जैसी खेले। यहाँ पर गिल्ली बॉल को वहां पर फैला लेना चाहते हैं घाटो रामगढ़ की चीफ नैतिक की पास ऑफसर इस मैच पे एक आखिर गोल डालने वाले खिलाड़ी गोकुल मंडी का शॉट, लेकिन वहां पर एक खिलाड़ी चोटी नजर आते हैं। Players, please put down. Don't argue with referees. Please follow the decisions of referees. नाम रहे
जो श्रेष्ठ यह बदलाव जरूरी भी था इस मामले में। दोनों टीम का जो दशा और दिशा है एक एक की बराबरी पर और मामला यहां से फंस रहा है कि बचे हुए समय में अगर यहां से कोई विनिंग गोल नहीं होती है तो आखिरकार इसके बाद अंतिम ऑप्शन ट्राइबल कर पेनल्टी में मुकाबला चला जाएगा और दोनों टीम ग्राउंड खेल से ही मैच को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। खड़े खड़े गए को बाहर के आपने फैलती एरिया से अच्छा पास संजय किस्कू, संजय किस्कू का शॉट स्विंग करती हुई है एक बार फिर से रिबाउंड पर चांस ले सकते हैं। वो रन पे गए उनको लेके चले गए थे।